विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज लिसन टू मी केयरफुली गाइस, पहले कुछ जनरल गाइडेंस जो मुझे लगता है आपके लिए बहुत रिलेवेंट रहेगा, देन फॉर लास्ट 15-20 मिनट्स, नॉट टू डीमोटिवेट यू बट होपफुली टू मोटिवेट यू, विल लुक एट अ क्वेश्चन पेपर। शायद आपको देख करके ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने काफी मेहनत की है, और शायद दैट विल बी द टफेस्ट पॉसिबल एवर इन लास्ट 4-5 अटेम्प्ट्स स्पेसिफिकली, जिसके बाद में इन जनरल ओवरऑल इंडिया में ऐसा रिस्पॉन्स था कि अगर ऑडिट पेपर ऐसा आया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पास होना। दैट इज वॉट पीपल थॉट, टफ था, ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत आसान था, इट वॉज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल था, इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन नॉट पास, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। एनी वेज विल गो देयर, बिफोर दिस सबसे पहले आपने नोटिस किया होगा हमने सारे इंपॉर्टेंट एसेज जो है पहले उनको डिस्कस किया, फिर हम मॉड्यूल 2 में चैप्टर के ऊपर गए, मॉड्यूल 2 में चैप्टर्स पे गए। मैं आपको एक लिस्ट ऑफ एसेज दे रहा हूं, हालांकि अगर आप ये नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, आपने सिंपल प्रैक्टिस क्या फॉलो करने का है, आपका जो मॉड्यूल 2 है उसमें चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करना है। कहां से शुरुआत करना है? चैप्टर नंबर 1 से। अब आप नोटिस करोगे चैप्टर 1 के अंदर सर कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स थे, दिख रहे क्या मिसलेनियस टॉपिक्स, ये हमको कवर करने हैं चैप्टर 1 में। इसके अलावा कौन सा ऐसे कवर्ड है आपको ऑलरेडी बताया मैंने, कौन कौन सा ऐसे 200, 210 एंड 220। मतलब अगर मैं चैप्टर 1 पढ़ रहा हूं नोटबुक में जाऊंगा 200, 210, 220 पढ़ूंगा, उसके बाद में मॉड्यूल 2 में जितना 10-12 पेज में एक्स्ट्रा लिखा है उतना पढ़ूंगा, चैप्टर 1 खत्म हो गया। चैप्टर 2 पे जाऊंगा उसके अंदर एक लिस्ट ऑफ एसेज रहेंगे, दिख रहा है क्या 300 एंड 320, मतलब वो पूरा चैप्टर 2 इन दो एसेज में कवर्ड है, सिर्फ दो ऐसे पढ़ूंगा चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। खुद का सेल्फ प्रिपरेशन पूरा मॉड्यूल 2 के बेसिस पे करना है, प्लीज सुन लीजिए मेरा बात, खुद का प्रिपरेशन मॉड्यूल 2 के बेसिस पे करना है। मॉड्यूल 1 तब ओपन करना है जब मॉड्यूल 2 इंस्ट्रक्शन दे रहा है। इफ मॉड्यूल 2 इज टेलिंग यू गो टू एसे 300 एंड 320, सबसे पहले क्या रहेगा, नोटबुक में जाने का, पढ़ लेने का, फिर ऐसे बुक में जाने का, और 300 320 में कुछ एक्स्ट्रा मार्क करवाया था क्या सर ने, क्या मेरे को वो देखना चाहिए, उतना पढ़ा मॉड्यूल 1 बंद कर दिया। मतलब पूरा प्रेपरेशन करते वक्त फोकस किसके ऊपर है, मॉड्यूल 2 पे। व्हाटएवर डायरेक्शन मॉड्यूल 2 इज टेकिंग यू टू जस्ट फॉलो दैट डायरेक्शन, डू नॉट इवन ट्राई टू डाइवर्ट फ्रॉम देयर, सिर्फ उसे फॉलो करते रहना। बात समझ में आया क्या? मैं आपको ये लिस्ट ऑफ एसेस का लिस्ट लिखवा के दे रहा हूं, हालांकि ये सेम चीज मैंने देखो चैप्टर 2 के बाद में लिखा है, मैं चैप्टर 3 में आऊंगा फिर से लिस्ट बना के दिया आपको एसेस का, दिख रहा है ऑलरेडी, और अब कुछ भी नहीं छोड़ा इसमें से। अब आप नोटिस करोगे ना ऑल एसेस आर कवर्ड, 230, 500, 501, 505, 510, 550, 60, 70, 80, ऑल आर कवर्ड। मतलब मेरे को चैप्टर 3 पढ़ना है, मतलब ये सारे एसेस पढ़ना है, मतलब इन एसेस के लिए नोटबुक में जो लिखवाया है पहले वो देख लेगा, फिर सर ने मॉड्यूल में ऐसे मॉड्यूल में कुछ मार्किंग करके दिया है क्या कुछ एक्स्ट्रा, बस उतना, उसके अलावा ऐसे मॉड्यूल को डिटेल में पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, योर अप्रोच फॉर सेल्फ स्टडी विल स्टार्ट विद मॉड्यूल 2, विल स्टार्ट विद मॉड्यूल 2, चैप्टर 1 जो ऐसे बोल रहे हैं पढ़ूंगा, जनरल कंटेंट मॉड्यूल 2 में लिखा हुआ रहेगा वो फॉलो करते जाऊंगा। ये चीज अगर आपने फॉलो किया ऑनेस्टली आप एग्जाम के लिए परफेक्टली प्रिपेयर हो जाओगे। अब किसी को लगता है सर मेरे को ये अप्रोच नहीं चाहिए, मेरे को चैप्टर चैप्टर नहीं खेलने का सर, आई वॉन्ट टू फॉलो अ डिफरेंट अप्रोच, ओके डू वन थिंग, आई एम गिविंग यू अ लिस्ट ऑफ एसेज, मेक अ लिस्ट ऑफ एसेज अलॉन्ग विथ मी, मेक अ लिस्ट ऑफ एसेज अलॉन्ग विथ मी, मेक अ लिस्ट ऑफ एसेज, एसे 200, टू वन जीरो, 220, 230, 240, 240 इसमें येल्लो है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, 240 येल्लो है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, 200, 210, 220, 230 एंड 240। इसके अलावा सिर्फ मेरे को फोकस करना है 299 में इन 200 सीरीज, 250 बाद में टाइम मिलेगा पढ़ूंगा, 60, 65 पढ़ूंगा ही नहीं, सिर्फ 299 देखूंगा, 200 सीरीज खत्म। 300 सीरीज में 300, 315, 320, 330 छोड़ दूंगा पूरा का पूरा, सिलेबस में नहीं है दिमाग ही नहीं लगाऊंगा, ओनली 3 स्टैंडर्ड्स, 300, 315, 320, 330 दिमाग ही नहीं लगाऊंगा बिल्कुल भी। फिर सर 400 सीरीज दिमाग ही नहीं लगाऊंगा, 400 सीरीज पढ़ना ही नहीं है, सीधा 500 में,
500 पढ़ूंगा, 501 505 510 520 530, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 520 एंड 530 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 580 इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? 580। जब ये सब खत्म करके हो जाए तो रेड में लिख रहा हूं 550 560 570। इफ आई हैव टाइम आई विल रेफर देम, इफ आई हैव टाइम आई विल रेफर देम। आप लॉजिकली सोच रहे होंगे वही चीजें मैंने लास्ट के लिए छोड़ी थी। मुझे पता था जो कोर पार्ट है वो पहले ही कवर हो जाएगा सब कुछ। 550 60 70 रेयरली क्वेश्चन आता है, आया तो भी आपको जो मैंने मार्क करा है उतना आपने फॉलो करने का। 600 सीरीज कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंटरनल ऑडिट पे चैप्टर 4 में जो लिख के दिया है आज ही, इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स 3 पॉइंट, रिस्क रिलेटिंग टू गवर्नेंस, रिस्क रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल, रिस्क, अरे आज लिखवा के दिया तुमको, उतने फॉलो करने का, कुछ नहीं करने का। 700 सीरीज बढ़िया से फॉलो करना है, मतलब यहां पर बढ़िया फोकस करना है। 700 701 705 706 710 अगेन रेड में लिख रहा हूं, लास्ट में टाइम मिलेगा तो देखने का है। ये रेड वाला पॉइंट समझ जाना मेरा बात, लास्ट में रेफर करने का है। इज दैट क्लियर टू यू? इफ यू डोंट वांट टू गो चैप्टर वाइज, गो स्टैंडर्ड वाइज। This, once you are done, entire focus should be on chapters. Chapter में क्या sequence follow करना है इसके बाद में। Start with chapter number 10, that is company audit. ये बराबर से करो, law में भी helpful रहेगा, audit में भी helpful रहेगा, बढ़िया questions आते हैं, हर पेपर में क्वेश्चन आता ही है, मजा आएगा, आसान भी रहेगा। पहले कंपनी ऑडिट से शुरुआत करो। वंस दिस इज डन, गो टू चैप्टर नंबर 9, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर दिमाग लगाओ, स्पेसिफिक क्वेश्चंस अलग से बना के दिए थे, जनरल क्वेश्चंस अलग से बना के दिए थे। यहां बढ़िया फोकस करो स्पेसिफिक पे, जनरल के लिए असर्शन पे फोकस करो, और जो जनरल पॉइंट्स नोटबुक में लिखवा के दिए थे वहां फोकस करो। चैप्टर 9 में ये मत डरो कि भाई कितना पढूं क्या करूं, रीडिंग बराबर से करो, अप्रोच बराबर रखो। बोरोइंग्स है, ये असर्शन दिमाग में रखूंगा, 6 पॉइंट लिख पाएगा। सर ने मेरे को इनकम स्टेटमेंट रिगार्डिंग जनरल पॉइंट्स लिखवाया था, आई कैनॉट गो रॉन्ग। इफ यू गो विद दैट अप्रोच, चैप्टर 9 विल बी गुड, यू विल नॉट बी इन ट्रबल एट ऑल। इज दिस क्लियर टू यू? डू नॉट गेट वरीड, आसान क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको टफेस्ट पॉसिबल पेपर दिखा देगा। उधर भी अगर तूने दिमाग लगाया तब भी दिक्कत नहीं आता था, आई प्रॉमिस। इज दिस क्लियर टू यू? चैप्टर 10, फिर आता है चैप्टर 9। इसके बाद में लॉजिकली अगर आप मुझे पूछोगे आपने जाना चाहिए चैप्टर नंबर 6 पे, ऑडिट इन एंड ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, क्योंकि वहां से गारंटीड क्वेश्चन आता है। और 6 में मैंने आपको बताया थे कि भाई चैप्टर 6 के अंदर मेरे को की फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, रिस्क इन आईटी एनवायरमेंट क्या होता है, मतलब क्लियर क्वेश्चन से डेटा एनालिटिक्स इन ऑडिट का रेलेवेंस क्या है, बराबर क्वेश्चन एंड आंसर लिखवा के दिया था। दिस शुड बी योर चैप्टर नंबर 6। आफ्टर दिस आई शुड गो टू चैप्टर नंबर 13। 13 में तुम्हारे पास 3 चीजें हैं, ए बी सी। पहले फोकस करो बी एंड सी के ऊपर, दैट इज योर गवर्नमेंट ऑडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट। सैम्पलिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट में लगा सकते हो, जो इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ो। गवर्नमेंट ऑडिट में क्लियरली क्वेश्चंस लिखवा के दिए नोटबुक के अंदर, बराबर समरी दिया है। दिस टाइम आई हैव स्पेंट मोर देन रिक्वायर्ड टाइम ऑन चैप्टर 10, 9, 13. आई न्यू ये टफेस्ट पॉसिबल चैप्टर है सेल्फ प्रिपरेशन के लिए, और मैंने आपको ऑलमोस्ट हर जगह समराइज कंटेंट लिखवा के दिया है। इधर सैम्पलिंग कम लगाओ, सोच समझ के पढ़ो, बराबर पढ़ो। सैम्पलिंग किधर लगाओ? इधर इसमें, नंबर ए में। नंबर ए में दिमाग किधर लगाने का? लोकल बॉडी पे दिमाग लगाने का, समझ रहे हो? फिर जनरल पॉइंट्स पढ़ने का, जो स्टार्टिंग में लिखवाए थे, क्या जनरल पॉइंट्स दिमाग में रखने पड़ते हैं फॉर द ऑडिट ऑफ मिसलिनियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बताया था कि नहीं बताया था? बाकी ऑडिट ऑफ सिनेमा हॉल, ऑडिट ऑफ ये हॉस्पिटल वगैरह, टाइम पास के लिए छोड़ दो, दिमाग में मत लगाओ, पढ़ो मत अभी, अभी पढ़ के फायदा ही नहीं है, वो लास्ट डे एडिट करने का है। लास्ट डे मान के चलो ऐसा 2 घंटा डिवोट करने का कचरा चीज पढ़ने के लिए,
वो लास्ट डे पढ़ोगे तो ही फायदा होने वाला है, आज पढ़ के फायदा नहीं है। ऑडिट ऑफ एलएलबी आज पढ़ो, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म आज पढ़ो, मतलब जहां बहुत लॉजिकल चीजें हैं उधर अभी फोकस करना चाहिए। दिस शुड बी योर चैप्टर नंबर 13। आफ्टर दिस अकॉर्डिंग टू मी मिसलिनियस है। तुम्हें वन अच्छा लगता है पहले वन खत्म कर दो, 10 पेज है सिर्फ, यू कैन गो फॉर चैप्टर वन। देन यू कैन गो फॉर चैप्टर नंबर 12, दैट इज बैंक ऑडिट। यू कैन गो फॉर चैप्टर 12, दैट इज बैंक ऑडिट आइडियली, समझ रहे हो मेरा बात। देन यू कैन गो टू चैप्टर नंबर 4, आज जो पढ़ाया था इंटरनल कंट्रोल्स वाला पार्ट, स्टार्ट स्मार्ट तरीके से। चैप्टर 4 तब पढ़ो जिस दिन आप EIS का चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, दोनों आसान हो जाएगा, दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में, इजी गोइंग हो जाएगा। एक बार मेहनत करोगे दोनों जगह फायदा मिलेगा। चैप्टर 4 एंड EIS चैप्टर 1 को साथ साथ में कंसिडर कर लो, दैट विल बी हेल्पफुल टू यू गाइस। आई थिंक इसके अलावा मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया है। चैप्टर 11 इज योर ऑडिट रिपोर्ट, चैप्टर 11 इज योर ऑडिट रिपोर्ट, उसमें अलग कारो रहने वाला है। क्या रहने वाला है? कारो। बाद में आप चाहिए तो कारो रेफर करो, कारो 2020 लास्ट में रेफर करो, कोई दिक्कत नहीं है। 21 क्लॉजेस है, ऑलमोस्ट सारा क्लॉज समझा दिया है, याद भी करवा दिया है, एक ही चीज याद कराइए क्योंकि मेरे को लगता है उधर एक नंबर के क्लॉज का वैल्यू है क्लियरली, और एक क्वेश्चन आता है मेरे को पता है। डू यू गेट माय पॉइंट? जहां लगता है वैल्यू है उधर हम डिस्कशन करते हैं, दैट्स इट। मैक्सिमम कितना टाइम डिवोट करने का मेरे को? मैंने 150 घंटा कम से कम पढ़ाया आपको, 150 से 160 यार, ठीक है। तुमने एटलीस्ट फर्स्ट रीडिंग में 30-40 आवर्स डिवोट करना चाहिए। सुनो मेरा बात, टोटल 70 घंटा पहले रीडिंग में डिवोट मत करो, यूजलेस है। ऑडिट इज अ सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स मल्टीपल रीडिंग, प्लीज समझो मेरा बात। टू पास अ सब्जेक्ट लाइक ऑडिट, स्टेप 1 इज अंडरस्टैंडिंग जो हो गया है, स्टेप 2 इज समरी जो भी ऑलरेडी दे दिया है, स्टेप 3 इज रीडिंग समरी मल्टीपल टाइम्स, ये पेंडिंग है, एंड स्टेप 4 इज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, ये पेंडिंग है। आज तक आप मेरे पे डिपेंडेंट थे आंसर्स लिखवाने के लिए, आज तक आपको मैंने लिमिटेड होमवर्क दिया है, अब तुमने हर दिन एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। आप इतना फॉलो करो, टफेस्ट पॉसिबल पेपर आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको प्रूव कर दूंगा अभी 10 मिनट के अंदर। इतना बात समझ में आया क्या? पक्का? ऑनलाइन पब्लिक बेसिक अप्रोच कैसे करना, डाउट सॉल्व हुआ क्या ये बताओ मेरे को जल्दी।